Now, what are the features of, or you can say, what are basic concept of TQM? So, basic concept of TQM की बात करें तो कुछ points हैं उसको हम देख लेते हैं जल्दी से. Top management commitment, जो top management होता है, उसका एक commitment होना चाहिए कि पूरी organization किस तरीके से एक बेहतर direction में execute करे, ठीक है? Continuously, with improvement. And second point is focus on customer. तो किसी company का जो motive होता है, वो यही होता है कि अपने कस्टमर को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और उनको सेटिस्फाइड करें. तो फोकस ऑन कस्टमर, तो कस्टमर के ऊपर फोकस होना चाहिए, बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो दोनों तरीके से देखना चाहिए यहाँ पर. इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एंटायर वर्क फोर्स, तो जो हमारे पास वर्क फोर्स है यानी कि जो टोटल टीम है, ठीक है, और ओवरऑल जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं, उनका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ. ओके, और फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि TQM में हमेशा यही सिखाया जाता है हमें कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए. मतलब कि पहले थोड़ा कुछ कर लो, इंप्रूव कर लो, उसके बाद ओवरऑल देखो कि एग्जैक्टली कैसे हुआ, चेक करो सब कुछ, फिर वहां से जो मिले प्रॉब्लम उसका इंप्रूवमेंट करो, ठीक है, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, फिर इंप्रूव करो. तो एक चेंज चलती रहती है ना कंटिन्यूअस, सो दिस इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. फिफ्थ पॉइंट इज ट्रीटिंग सप्लायर्स एज पार्टनर्स. तो जो हमारे पास सप्लायर्स होते हैं उनको एज अ पार्टनर ट्रीट करना चाहिए, ना कि कोई एक्सटर्नल फैकल्टी. जैसे मान लो कि एक कोई प्रोडक्ट बनाए, अगर प्रोडक्ट को बेचना है तो सप्लायर से बेहतर तरीके से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर ही तो है जो कस्टमर तक पहुंचा रहा है. तो हमें सप्लायर पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको कोई वर्कर नहीं समझना है, उसको एज अ पार्टनर मानना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में जा पाएगा. नेक्स्ट वन इज सिक्स, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द प्रोसेस. तो हमें जो है जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, किस तरीके से परफॉर्म करना है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो परफॉर्मेंस होगा या फिर बेचने के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए जो उसके मेजर्स हैं, ठीक है, उसको हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. मतलब कि उसको हमें एक बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक वे से बनाना पड़ेगा ना, उसी अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा तो कम टाइम में इफेक्टिव वे से बेहतर प्रोडक्ट हमें मिलेगा. तो ये सिक्स पॉइंट है हमारे पास जो हम बोलेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है TQM का, ठीक है. तो इसमें से आप टॉप मैनेजमेंट का लिख दो कमिटमेंट, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, फोकस ऑन कस्टमर, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट यूटिलाइजेशन ऑफ एंटायर वर्क फोर्स, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ट्रीटिंग सप्लायर्स एज पार्टनर, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द प्रोसेसेस. तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको आप लिख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ TQM. नाउ प्रिंसिपल ऑफ TQM, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है TQM का, तो हमें समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस था, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट था, उसके बाद एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं, सप्लायर को पार्टनर समझना है, सारी चीजें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट था. अब प्रिंसिपल क्या है, यानी कि TQM का प्रिंसिपल क्या होता है, एग्जैक्टली किस चीज पर बेस्ड होता है TQM, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज कस्टमर रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले इसमें हम यही देखते हैं कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज एवरीबॉडी मस्ट बी इन्वॉल्व, तो सभी को इन्वॉल्व होना जरूरी है. थर्ड वन इज रेगुलर टू वे कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रमोटेड. ओके, एंड आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स एंड सप्लाई इट टू द एम्प्लॉइज. तो हम ट्रेनिंग नीड्स जो है उसको हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करेंगे एम्प्लॉइज को, और सप्लाई कर सकते हैं जो भी सारी उनकी जरूरतें हैं, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इज मस्ट. तो जो हमारे पास मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट टीम बनाया गया है उसकी कमिटमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी से सब कुछ आगे बढ़ेगा. सिक्स्थ पॉइंट इज एवरी जॉब मस्ट एड वैल्यू. तो सभी जॉब, यानी जो सभी परफॉर्मेंस हो रही है, सभी को कुछ ना कुछ वैल्यू एड करना है. ऐसा नहीं कि कोई भी परफॉर्मेंस या फिर कह सकते हो कोई भी जॉब फालतू जाए. सेवन पॉइंट इज एलिमिनेट वेस्ट एंड रिड्यूस टोटल कॉस्ट. तो सेवन पॉइंट है कि वेस्ट को हम एलिमिनेट करेंगे और टोटल कॉस्ट को कम करेंगे. एट पॉइंट इज प्रमोट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है. एंड नाइन्थ पॉइंट इज फोकस ऑन टीम वर्क. तो लास्ट पॉइंट है कि टीम वर्क पर हम लोग फोकस करेंगे. तो ये प्रिंसिपल्स हैं TQM के.